और खबर गढ़वा से है, जहां मझियाव थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। सहयोगी विनय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। विनय, रेप का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ कह रही है पुलिस? जी, जहां तक पुलिस की बात है तो मामला थाने में दर्ज कर दिया गया है और यह मामला मझियाव थाना क्षेत्र का है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो दुष्कर्म का जो मामला आया है वो कहीं ना कहीं या चचेरा हो या फुफेरा हो, किसी तरह से मतलब फुआ और भतीजे के रिश्ता में आ रहा है और खास तौर पर इसका मामला दर्ज हो गया है। हालांकि पुलिस जो है आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन यह मामला अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने से चल रहा था। तो अभी इसके पीछे क्या वजह है कि 6 महीना के बाद अब जाकर मामला सामने आया है, तो इसके अनुसंधान में पुलिस जो है लग चुकी है। जी, तो 6 महीने पहले से ये मामला था, तो अब इस ये पुलिस के पास ये मामला पहुंचाने का ये ऐसी शिकायत 6 महीने बाद क्यों? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरह से बयान में जो लिखा गया है एफआईआर के, एफआईआर में जो लिखा गया है कि मतलब 6 महीना पूर्व से ही मतलब इस तरह हमारे साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था, तो इस बीच लड़की जो है वो लिखी है कि मैं इसकी शिकायत अपने परिवार वालों को नहीं कर रही थी, लेकिन पुनः दोबारा अगर जिस तरह से हमारे साथ किया गया, दुष्कर्म किया गया, तब तो मुझे नहीं रहा गया और मैंने अपने परिवार वालों को बताया। तो अब इसके पीछे क्या मामला है, क्या वजह हो सकता है, क्या प्रेम प्रसंग का मामला है या दुष्कर्म का मामला है, या जांच के बाद ही पता आरोपी को चलेगा। गिरफ्तार किया गया है। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये पारिवारिक मामला ही की बात ही सामने आ रही है। ये कह युवती का ये आरोप है जो एफआईआर उसने दर्ज कराई है कि पिछले 6 महीने से उसके साथ यौन शोषण हो रहा था और अब जाकर उसने ये शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर 6 महीने पहले इस बात की शिकायत क्यों नहीं की गई थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।